हेलो बच्चों आइए हम वास्तविक संख्याओं में आज के एपिसोड में सीखेंगे अंग गणित की आधारभूत प्रमेय ये प्रमेय हमें क्या कहती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है उदाहरण के लिए बयालीस को हम कैसे लिख सकते हैं दो गुना तीन गुना सात या तीन गुना दो गुना सात या फिर सात गुना दो गुना तीन इस प्रमेय की मदद से अब हम आपकी प्रश्नावली हल करते हैं पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए पहला प्रश्न है 140 हंड्रेड एक सौ चालीस इसको हम कैसे लिख सकते हैं दो गुना दो गुना सात गुना पाँच ऐसे ही 156 को हम कैसे लिख सकते हैं दो गुना दो तीन गुना तेरह अगला तीन हजार आठ सौ पच्चीस को हम कैसे फैक्टर्स तोड़ सकते हैं इसके पाँच गुना पाँच गुना पाँच गुना उनतीस पाँच हजार पाँच को हम तोड़ सकते हैं पाँच गुना सात गुना ग्यारह गुना तेरह ऐसे ही सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन को हम कैसे लिख सकते हैं सत्रह गुना उन्नीस गुना तेईस तो बच्चों हम देखते हैं प्रश्न संख्या दो क्या कहता है ये पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एच और एल ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एच सी एफ़ इंटू एल सी एम फर्स्ट क्वेश्चन है छब्बीस और इक्यानवे छब्बीस को हमने दो पार्ट्स में तोड़ा टू इंटू थर्टीन और नाइन्टी वन को सेवन इंटू थर्टीन इसमें कॉमन फैक्टर क्या हुआ थर्टीन ठीक है ये हमारा हो गया एच सी एफ़ बाक़ी जो फैक्टर्स बचते हैं उनको हम साथ में ले, ले लेते हैं टू इंटू सेवन और कॉमन फैक्टर को भी लिख लेते हैं तो हमारा एलसीएम निकल आता है कितना आएगा 182 अब हमें क्या वेरीफाई करना था हमें वेरीफाई करना था कि एच सी एफ इन टू एल सी एम बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के एच सी एफ था 13 और एल सी एम आया था 182 हमें क्या चेक करना है कि वो ट्वेंटी सिक्स इंटू वन के बराबर है पहले हम देखते हैं वन हंड्रेड एटी टू को थर्टीन से गुणा करके क्या मिलेगा फाइव फोर्टी सिक्स टू एट वन टू थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स अब हम देखते हैं ट्वेंटी सिक्स इंटू नाइन्टी वन दोनों बराबर आ गए यस yes. तो हमने वेरीफाई किया एच सी एफ़ इंटू एल सी एम बराबर है ट्वेंटी सिक्स इंटू नाइन्टी वन ऐसे ही हम इसमें पाँच सौ दस और बानवे इसमें पाँच सौ दस के फैक्टर्स हैं टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवेंटीन और नाइन्टी टू के फैक्टर्स हैं टू इंटू टू इंटू ट्वेंटी थ्री हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर हमारे पास केवल टू है तो वो हमारा एच सी एफ हो गया और एल सी एम क्या होगा ये हमने एक कॉमन फैक्टर लिखा बाकी जो भी फैक्टर्स बचते हैं टू फिर थ्री फाइव थ्री फाइव सेवेंटीन ट्वेंटी थ्री इससे हम एल निकाल लेते हैं वो आएगा तेईस हजार चार सौ साठ अब हमें वेरीफाई करना है एच सी एफ इंटू एल बराबर है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ये आप प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं कि एल एच के बराबर आएगा अब हम इसका तीसरा भाग सॉल्व कर लेते हैं ये है थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स और फिफ्टी फोर पहले हम इसके फैक्टर्स निकालें टू वन ज़ा टू और टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व टू एट ज़ा सिक्सटीन टू एट जा फोर ज़ा टू फोर ज़ा टू ज़ा टू ट्वेंटी वन सा और थ्री सेवेन ज़ा ऐसे ही हम फिफ्टी फ़ोर के फैक्टर्स निकाल लेते हैं टू टू ज़ा फोर टू सेवन ज़ा फोर्टीन फिर थ्री नाइन ज़ा ट्वेंटी सेवन और थ्री थ्री ज़ा नाइन ये हमने सब प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए अब हम एच सी एफ निकालेंगे थ्री थर्टी सिक्स के हम फैक्टर्स लिखेंगे टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू into थ्री इंटू सेवन अब 54 के फैक्टर्स हैं टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री क्या कॉमन है टू कॉमन है और एक थ्री कॉमन है तो हमारा HCF क्या हुआ HCF हुआ टू इंटू थ्री वो है सिक्स अब हम निकालेंगे एल सी के लिए इसको मिटा देते हैं एल के लिए हमने जो कॉमन है वो हमने लिख लिया और उसके अलावा हमारे पास फैक्टर्स बचे टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन अब हम देखते हैं टू टू ज़ा फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन सिक्सटीन थ्री थ्री ज़ा नाइन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन को हमने मल्टीप्लाई करना है सेवन से तो ये हमारे पास आ गया सिक्सटीन और ट्वेंटी सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर हंड्रेड एंड थर्टी टू इसको हमने सेवन से मल्टीप्लाई किया हाँ हमें मिला तीन हजार चौबीस ये हमारा एलसीएम हुआ और एच सी एफ है सिक्स हम इसको वेरीफाई करेंगे कि एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है ये एटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर अब आप चेक करोगे कि HCF into LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के हमने ये HCF क्या निकाला था सिक्स और LCM निकाला था थ्री ज़ीरो टू फोर वो हम मल्टीप्लाई करके वेरीफाई करेंगे थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स इंटू फिफ्टी फ़ोर इसको मिठा लेते हैं ये आ गया हमारा फाइव सिक्स थर्टी थ्री फोर फोर यस तो हमने ये वेरीफाई कर लिया कि दोनों एल और आर एकदम बराबर आ रहे हैं और हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया 18144 बराबर है 18144. अब अगला प्रश्न देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एच सी एफ़ और एल ज्ञात कीजिए हमारे पास 12, 15 और 21। 12 के क्या फैक्टर्स होंगे 2 इंटू टू इंटू थ्री पंद्रह के 3 इंटू फाइव ट्वेंटी के 3 इंटू सेवन इसमें एच सी एफ क्या होगा हमारा 3। एल फिर वही विधि टू स्क्वायर कॉमन फैक्टर थ्री और बचा हुआ फैक्टर फाइव इंटू सेवन तो हमारा एलसीएम हो गया 420। ऐसे ही 17, 23 और 29, ये तीनों नंबर देखिए ये सब प्राइम नंबर हैं तो आप देखोगे कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे 1 इंटू सेवेंटीन ट्वेंटी के 1 इंटू ट्वेंटी 29 के 1 इंटू ट्वेंटी क्या कॉमन फैक्टर हुआ वन तो एच हो गया वन एल होगा प्रोडक्ट ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स सेवेंटीन इंटू ट्वेंटी थ्री इंटू ट्वेंटी नाइन वो हो जाएगा 11,339। थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी नाइन इसमें थर्ड वाला है एट नाइन और ट्वेंटी फ़ाइव एट के फैक्टर्स हैं टू इंटू टू इंटू टू नाइन के फैक्टर्स हैं थ्री इंटू थ्री और ट्वेंटी फ़ाइव के हैं फाइव इंटू फाइव एच सी एफ़ हमारा फिर देखिए कुछ कॉमन नहीं है तो एच सी एफ होगा वन और एल सी एम होगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव वो हो गया एटीन हंड्रेड अगला प्रश्न देखते हैं इसमें हमें एच दिया हुआ है थ्री हंड्रेड एंड सिक्स और सिक्स फिफ्टी सेवन का कि नाइन है और हमें एल ज्ञात करना है इसमें हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं क्या है एच सी एफ़ इंटू एल सी एम बराबर होना चाहिए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के ना इसमें 306 और 656 का एलसीएम कितना है नाइन इनटू एलसीएम और दो नंबर्स क्या हैं हमारे पास 306 और 657। एलसीएम निकालने के लिए 306 हंड्रेड एंड सिक्स इंटू अपॉन नाइन अब 3 प्लस सिक्स नाइन होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा ये भी 3 से हो जाएगा तो हम देखते हैं 3 3 ज़ा नाइन फिर 3 से जाएगा 3 9, 3 ज़ा नाइन एंड 3 फोर जा ट्वेल्व तो हमारा एलसीएम हो जाएगा

तो हो गया एट थ्री थ्री वन यस तो हमारा एलसीएम निकल आया बाईस हजार तीन सौ अड़तीस ये हमारा आंसर हो गया तो समझ में आया बच्चों चलो अगला प्रश्न करते हैं जांच कीजिए कि की, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या सिक्स पावर एन अंक जीरो पर समाप्त हो सकती है उत्तर देखिए ऐसे हमें लिखना होगा सिक्स रेज टू एन का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा टू इंटू थ्री सिक्स को हम कैसे तोड़ सकते हैं टू इंटू थ्री पावर एन जबकि कोई प्राकृत संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए टू इंटू फाइव पावर एन के रूप का होता है अतः हम क्या आ, कह सकते हैं कि सिक्स पावर एन शून्य पर समाप्त नहीं होगी चलिए अगला प्रश्न करते हैं व्याख्या कीजिए कि सेवन इंटू लेवन इंटू थर्टीन प्लस थर्टीन और 7 इंटू सिक्स इंटू 3 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव भाज्य संख्याएँ क्यों हैं इसमें आप ध्यान से देखें 7 इंटू लेवन 13. थर्टीन प्लस थर्टीन इसमें अगर हम 13 को कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 7 इंटू 1. प्लस वन इसमें 13 इंटू ये हो गया सेवेंटी सेवेन प्लस वन थर्टीन इंटू सेवेंटी एट इसमें दो फैक्टर्स से ज़्यादा होने पर हम उन्हें कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं यहाँ दो से ज़्यादा फैक्टर हैं इसलिए ये क्या है भाज्य संख्या हैं ऐसे ही हम इसमें चेक कर लेते हैं सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस फाइव इसमें भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है फाइव सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन प्लस वन ये हो गया फोटी टू इंटू ट्वेंटी फोर प्लस वन अब फोर्टी टू इंटू ट्वेंटी फ़ोर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सोलह चार आठ तो हमें मिलता है एक हजार आठ प्लस वन ध्यान से देखिए ये हमारे पास दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया इसका मतलब ये क्या है भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर्स चलिए अगला प्रश्न करते हैं प्रश्न संख्या सात किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत् पथ है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे हमें दिया गया है कि 18 मिनट में सोनिया सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगा रही हैं और उसी मैदान में रवि कितनी देर में लगा रहे हैं बारह मिनट में ठीक है और हमें पता लगाना है कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे इसका मतलब हमें क्या निकालना है एल सी एम अठारह और बारह का एल सी एम निकालने के लिए हम फैक्टर्स ले लेते हैं थ्री थ्री सा थ्री टू सर तो टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू टू ये आ गया थर्टी सिक्स इसका मतलब थर्टी सिक्स मिनट बाद वो पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे समझ में आया बच्चों ठीक है अब समय है गृह कार्य का इसमें प्रश्न संख्या एक संख्याओं 6 और बीस के अभाज्य गुणन खंडन विधि से एच और एल ज्ञात कीजिए दूसरा प्रश्न अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एच ज्ञात कीजिए और फिर इनका एल ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या तीन संख्या छः और 120 का अभाज्य गुणन खंडन विधि द्वारा एच और एल ज्ञात कीजिए प्रश्न संख्या चार संख्याओं फोर रेज टू एन पर विचार कीजिए जहां एन एक प्राकृत संख्या है जांच कीजिए कि की क्या एन का कोई ऐसा मान है जिसके लिए फोर रेस टू एन अंक शून्य पर समाप्त होता है तो बच्चों आज हमने क्या सीखा हमने देखा कि अंग गणित की आधारभूत प्रमेय हमें क्या सिखाती है हमने उसको प्रयोग करके ये भी वेरीफाई किया कि एच सी एफ इन टू एल सी एम बराबर होता है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के ठीक है तो आप प्रश्नों को हल करेंगे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में धन्यवाद